बाबा योग करने का टाइम ये पूछ रही है माता जी, जब हम योग में बैठे शक्ति ले रहे हैं, एक ही टाइम में हम पावन बन जाते हैं, थोड़ा थोड़ा पावन बनते हैं। जब याद में बैठते हैं तो याद में एक की याद कितनी देर आती है, थोड़ी टाइम, और अनेकों की याद कितनी देर कितनी बार इंटरफियर करती है, बुद्धि बताती है। ठीक है, तो जब अनेकों की याद इंटरफियर करेगी तो पावन बनेंगे या पतित बनेंगे? अनेकों की याद से यहाँ भी तो शूटिंग हो रही है। जब शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है, तो ड्रामा में चारों सीन आते हैं कि नहीं, ये सत्यु भी बना रहेगा। सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तम पुरुषार्थ भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। जब बाप के बच्चे बनते हैं, पहली बार बाप को पहचानते हैं, तो कितना नशा होता है, तो फिर बाद में धीरे धीरे नशा कम होता जाता है। क्यों होता जाता है? क्योंकि अनेकों का संग का रंग लगता है, उनकी बातों में आ जाते हैं। जब एक बाप मिल गया तो एक बाप से ही बुद्धि का वास्ता रहना चाहिए, औरों से वास्ता क्यों रहता है? औरों से वास्ता कर लेते हैं तो बुद्धि की अवस्था नीचे जाने लग पड़ती है। जब जान लिया कि एक से ही सदगति होनी है, बाकी सबसे दुर्गति हुई, तो लगन कैसी होनी चाहिए? एक से लगन होनी चाहिए। श्रद्धा से तो योग में बैठते, लेकिन बुद्धि भटकने से वो भी हिसाब किताब हो जाते हैं लोग। कुछ भी समझो, उन जन्मों का हिसाब किताब समझो या अपनी कमजोरी समझो,